देखे ट्रेन में सफर तो करते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा हम सफर अच्छा लग जाता है ना तो डब्बा ही बदल लेते। यही गलती की ना कि दिल से प्यार किया। आज जोड़ के हम आप सभी से विनती कर रहे हैं कि आप जो यह धर्म कर रहे हैं ना बंद कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान ना ऐसी लड़की बनाना बंद कर दे। तुम अपने मिस्टर जी से आप भी बहुत प्यार करती हो, बस उस प्यार पे थोड़ी थोड़ी धूल जम गई है। उस धूल को मैं मिटाऊंगा और अपनी रागिनी को अपने साथ घर वापस लेके जाऊंगा। गुन्नी मन कहानी हम तुमको सुनाते हैं, एक राजा था एक रानी थी। दुलारी जी, उससे अच्छी कहानी यही है। छोटी बहू जी, क्या हुआ तुमको? मैं हुआ हुआ अरे यार, जब भी देखो ना पुराने पुराने क्या हुआ है? बोलिए ना माँ, आप कुछ बोल क्या नहीं रही हैं? अरे विद्वान, वहाँ मंदिर में ना उन लोगों ने ना विधवा स्त्री ने विधवा धर्म का पालन नहीं किया तो वो स्त्री उद्दंड बन जाती है। तेरे दंड के लिए तेरे केश काट कर देवी माँ के चरणों में चढ़ाने होंगे। बहुत हो गया, बताइए अम्मा, आप हमको बताइए कि मंदिर कहाँ है, हम अभी कभी वहां जाएंगे। अरे हिम्मत कैसे हुआ उनका ऐसा करने का? आज के समय में भी ऐसी सोच के लोग रहते हैं इस दुनिया में, तब कह रहे हैं किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक के खिलाफ पुलिस केस करेंगे। अरे ना विद्वान, पुलिस और कानून से किसी का मन नहीं बदलता। बदलाव लाना है तो हिम्मत से काम लेना पड़ेगा, आंख में आंख डालकर, जैसे आज वो बैजू ने किया। बैजू? बैजू? वो गुंडा दादी, उसने क्या किया? बिटिया, उसी ने तो सबका मुंह बंद कर दिया अपने जवाब से। मंदिर में सब लोग शर्मिंदा हो गए, सबका सर शर्म से झुका दिया उस बैजू ने, और वहाँ सब लोग हमसे माफी मांगने लगे। कहा? लेकिन वो ऐसा काहे करेगा अम्मा, उसको इससे क्या फायदा? हम नहीं कर रहे थे बड़का पापा की कहानी ना एकदम ये फिल्मी है। अब देखिए अब बैजू कितना मदद किया है, हम तो कह रहे हैं कि ऐसा ना थप्पड़ काम किया है छोटकी भौजी का कि पूरा बुद्धि ठिकाने लग गया है उसका। पुलिस का डंटो इतना काम नहीं करता। ऐसे लोग इतनी आसानी से नहीं बदल सकते दुलारी दीदी। पहले तो वो गुंडा खुद ही औरत का अपमान करता है, अब औरतों की इज्जत पे भाषण दे रहा है, हमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। अक्का औरत का अपमान, औरत का इज्जत कर रही हूँ, फिल्मी मुलिम देखा करो, वो में ये सब होता है। पूरा भी नहीं समझती, तुमको तो एकदम ही नहीं समझ आता। दुलरिया एकदम सही कह रही, वो इंसान इतना जल्दी ना नहीं बदल सकता है। बस बड़की, आज उसी की वजह से हम अम्मा ऐसे रातों रात कोई थोड़ी ना बदलता है। छोड़िए, आप दोनों सही सलामत हैं, हमारे लिए इतना ही बहुत। श्रीमती जी, आप बहू को अंदर लेके जाइए। चलो बेटा, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, जरा सृष्टि बहू को चोट लग गया है, आप तुरंत आइए, जरा घर पे आइए हमारे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या बात है बेटा जी, तबीयत तो ठीक है ना आपका? हाँ, कुछ कुछ हुआ? हमारी तो तबीयत ठीक है। अरे आपके भाई बड़ा कह रहे थे कि कोई परेशानी हुआ। परेशानी? आप बताओ कि हमारी गलती किधर है? यही गलती की ना कि दिल से प्यार किया, एक एक गलती की कि दिल से प्यार किया, लेकिन फिर भी इस सब का बक दिए हम अभिमन्यु जी के सामने। अब बाबूजी को कैसे समझाएंगे हम ये सब? बताइएगा क्या बात है। नहीं नहीं बाबूजी, हम ठीक है, ठीक है हम। पक्का? क्या जी आपको पूछ रहे थे। इतना हड़बड़ाए बका है जी, कौन ढूंढ रहा है? वो अभिमन्यु साहब जी।
चलो हम आते हैं। हम भी चलते हैं। अम्मा एक बात बताओ, हम जब चौराहे से छोटा मोटा झगड़ा करके आते थे तो तुम्हारे पास बोलने के लिए समझाने के लिए बहुत कुछ होता था। हमारे हर एक काम में तुम कमी निकालती थी, और आज जब इतना बड़ा कांड करके हम आए तो तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। वो कहाँ है ना बेटा, आज जो तुम किए हो सड़क छाप गुंडे वाला काम नहीं किए हो, आज तुम बहुत अच्छा काम किए हो। बहुत खुश है तुमसे। और देखना बेटा, ये जो आज तुम काम किए हो ना, इसका तुम्हें बहुत अच्छा फल बहुत जल्दी मिलेगा। दीदी सही कह रही हैं, क्या कोई एक थप्पड़ में इतना बदल सकता है, या वो ये सब सिर्फ हमसे माफी मिलने की उम्मीद में कर रहा है, या फिर दिव्या, पापा और माँ का कहना सही है, कोई इतनी आसानी से नहीं बदल सकता, वो भी सिर्फ एक रात में। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू भगवान, मेरी ट्रिक आखिर काम कर ही गई। रागिनी ने खुद ही बता दिया कि वो कितना प्यार करती है मुझसे। अब तो अरे अभिमन्यु जी, आप जा रहे हैं? अब वो बात भी ठीक है कि जो आया है उसे जाना भी पड़ेगा, बट मैं आपको बहुत मिस करूंगा। मैं कैरम भी इसके साथ खेलूंगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपको बहुत ज्यादा मिस करूंगा। चलिए ना, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ। आई चल। ये सब क्या हो रहा है भाई? अभिमन्यु बेटा, आप कहाँ जा रहे हैं? वो अंकल जाना है। जाने दीजिए ना सर, देखिए बड़ा कारोबार है, अब बड़ी जिम्मेदारियां हैं, अब वो खुद ही जाना चाहते हैं तो रोक के क्या फायदा। मैं क्या कह रहा था बाबूजी, वो जो आपकी बड़ी वाली गाड़ी है ना, व्हाइट कलर की इंपोर्टेड, आप मुझे वो गाड़ी दीजिए, मैं खुद जाके अपनी जिम्मेदारी से इनको छोड़ के आता हूँ। हाँ मंगलू, चाबी लाके दो ना बड़ी गाड़ी की, जल्दी। अभिमन्यु जी, अगर हमसे हमारा मतलब है कि अगर हमारा फैमिली से कोई गलती हुआ है तो हम माफी मांगते हैं आपसे। अरे माफी, ऐसे कैसे माफी मांग लेंगे? अगर आपके साथ कोई इतना गलत करे तो आप उसे माफ कर पाएंगी? नहीं ना, कभी नहीं। आइए अभी मोनिश, मैं आपको छोड़ के आता हूं। चल एक मिनट। ये क्या चल रहा है? गलती, माफी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। इनफैक्ट मैं तो अनुराग बाबू को यहां से भेजने का सोच रहा हूं। लगता है इसे पता लग गया कि रागिनी को शराब मैंने पिलाई थी। अब तो मेरी पोल खोल देगा ये। आप मुझे यहां से भेजना चाहते हैं? हाँ आप ही जाएंगे, मैं थोड़ी जाऊंगा। मुझे यहाँ का कुछ पता वता तो है नहीं। अब देखिए ना अंकल जी, ये मेरा सूटकेस है ना, इसका पासवर्ड मुझे याद नहीं है, तो इसे रिसेट तो करवाना पड़ेगा। तो अनुराग
अगर आप इसे ठीक करा अब मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूँ? मैं मैकेनिक थोड़ी ना हूँ। अरे तुम्हें थोड़ी बोल रहा हूँ, अगर दुकान में ले जाकर यू नो रिसेट करवा दो, इफ यू डोंट माइंड। माइंड होगा तब ना माइंड करेंगे। जाइए आप, करवा के आइए जो अभिमन्यु बेटा जी कह रहे हैं। दिल तो कर रहा है इसी कमरे में बंद करके ताला लगा दो। साला मैं भी बेवजह खुश हो रहा था। वो चाबी दो सफेद वाला गाड़ी का। अब तो ठीक है, मैं फिर आपको लॉक आपका लॉक ठीक करा के आता हूँ। आप एक कैरम खेलिए, एंजॉय कीजिए। हाँ अब बाबूजी रहने दीजिए, मैं रिक्शा पे ही चला जाऊंगा। वैसे तुम रिक्शा से ही जाने के लायक हो। हमें मिस्टर जी पे ना नजर रखना होगा, कुछ तो खुराफा चल रहा है इनके दिमाग में। ये चाहते हैं कि अभिमन्यु जी यहाँ से चले जाए। cos थीटा sin थीटा tan थीटा cos x square थीटा 1/tan θ। जानती हूँ, अगर समझा जाए तो मैथ से ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई और सब्जेक्ट नहीं है। अब तो तुम्हें समझ भी आने लग गया है। छोटी बहू जी एकदम ठीक कर रही है दिव्या। अब तुम ऐसा ही मन लगा के पढ़ोगी तो जरूर टॉप करोगी। आए उसके लिए दिमाग का तेज होना जरूरी है। वही चलते ही तुम दोनों बादाम का दूध पी। ए दुलरिया, सिर्फ दूध से उन दोनों का पेट भरेगा का है? जाओ तो नहीं कुछ खाने ले आओ। हाँ ठीक है, अब पढ़ो। अब तुम बैठ के पढ़ो, हम देखते हैं। का है? आ नहीं चाहिए। अरे सुनिए तो। अरे नहीं चाहिए कहे ना। अरे आपके लिए भिजवाया गया है। क्या, किसके लिए? देखिए नाम लिखा है। सिस्टी इतना भारी। हाँ ठीक है निकलो। हाँ देखो आज कोनो फल भेजा है छोटकी भौजी के लिए। आई बहुत भारी है, काहे में दे देले। बहुत भारी सिस्टी के लिए फल कौन भेजा है? किसने बुलाया तुम्हें यहाँ? चलो निकलो यहाँ से, अब तुम्हारा कोई भी पैतरा यहाँ नहीं चलेगा। चलो जाओ। अरे खड़े क्यों, निकलो। वो नहीं जाएगा दिव्या, हमने बुलाया बैजू को। आने दो उसे अंदर। दादी अविता यकीन है कि मिस्टर जी ने ही ना हमारे शरबत में शराब मिला है। अगर इस घर में शराब आया है तो फिर बोतल भी यहीं कहीं होगा। कभी रिश्ते का सम्मान तो किए नहीं और फोटो छिपाए बैठे हैं यहां पे। मैं जानता था कि तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी, नहीं तो मैं नहीं तो कम से कम मेरी तस्वीरें और मेरे कपड़ों से तो बात करूं। वैसे एक सीक्रेट बताऊं,
कभी कभी ना मैं भी तुम्हारी तस्वीरों से बातें करता हूं। पागल नहीं है हम आपकी तरह, जो चीजों से और तस्वीरों से बातें करें। बहुत से लोग हैं हमारे घर पे बतियाने के लिए, हम उनसे बतियाते हैं, समझे? अरे इस बात पे एक बात याद आ गई, वो क्या कहते हैं, चांद तारे बुझ जाए, रात काली हो जाए, एक बस दिल भर साथ ना हो, पूरी दुनिया खाली हो जाए। वो तो मैंने कल रात भी देखा कि किस तरह शरबत पीकर अपने उन अभिमन्यु जी से कितना बतिया रही थी। शरबत पीकर या फिर शराब, हमें पता था कि घटिया हरकत ना आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। काहे मिलाए आप हमारी शरबत पे शराब? हाँ कुछ पूछ रहे हैं आपसे? अरे तुम्हें याद है एक बार जब हम लोग डेट पे गए थे तो तुमने शरबत पी के क्या धमाल किए थे। मतलब मुझे वो टाइम बहुत याद आता है, तुमने क्या मस्ती की थी यार, क्या टाइम था। याद है ना, सब याद है, भला हम वो दिन कैसे भूल सकते हैं। हमें तो वो भी दिन याद है जब हम पटना में आपके दोस्त लोगों के साथ ऐसा ही कुछ शरबत पिए थे, कैसा फजीहत हुआ था हमारा। इस शराब से ना हमें एक और वाक्य याद आ रहा है, जब उदयपुर में आप शराब पी के संगनी को कैसे किस। आज मुझे मत रोको, जानते हैं बिटिया, और तुम भी तो जानती हो ना, इसने मंदिर में उन पागलों से कैसे सृष्टि को बचाया था। हमने भगवान को धन्यवाद देने के लिए पूजा की है, उसी का प्रसाद देने के लिए इसे यहाँ बुलाया है। अच्छा दादी, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप बहुत अच्छी हो। थैंक यू बैजू जी, आपने हमारी सृष्टि भाभी को बचाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। दादी हो गया, थैंक यू, ठीक है अब जाइए। दादी हम खुद यहां नहीं आना चाहते थे, लेकिन आपने बुलाया तो हम मना नहीं कर पाए। दिव्या सही कह रही है कि हमें यहां नहीं आना चाहिए था, हम इस घर के लायक नहीं हैं। हम जाते हैं। हमें पता भी नहीं चला और आपने हमारी फैमिली के साथ रिश्ता भी जोड़ लिया। आप एक बात कान खोल के सुन लो, ये सिर्फ हमारी दादी है, आपकी कभी नहीं हो सकती। जिंदगी में एक काम भला करके ना इंसान के पाप नहीं भूल जाते। तुम गुंडे हो और गुंडे ही रहोगे। दिव्या शांत हो जाओ, दादी ने इसे प्रसाद देने के लिए बुलाया है ना, दादी को इसे प्रसाद देने दो, तुम जाओ। भाभी आज तक हमने घर में किसी की बात नहीं डाली है, लेकिन इस आदमी ने जो आपके साथ किया उसके बाद इसको यहाँ बुलाना अच्छी बात है क्या? माँ जी दिव्या सही है तो कह रही है, आप बहुत ही अच्छी हैं, इसलिए आपको सब में ना अच्छाई दिखाई देता है, लेकिन हम में से कोई यह नहीं चाहता है कि दोबारा यहाँ दिखाई दे। बड़की हम जानते हैं इसने बहुत ही घटिया काम किया है, लेकिन जिंदगी में हर आदमी को एक दूसरा मौका मिलना चाहिए ना, अगर वो सुधरना चाहता है तो उसे हमें माफ कर देना चाहिए। अम्मा हम आपका हर बात समझ रहे हैं, लेकिन अगर कोई आदमी रातों रात
रावण से राम बन जाए तो उस पे संदेह किया जाता है, विश्वास नहीं। आप समझिए बात को। लेकिन विद्वान, एक मिनट में जिंदगी बदलने का ताकत भी तो होता है ना, और इसमें बिना किसी फायदे के धृतराष्ट्र की उस सभा में हमारी बहुरिया की रक्षा की है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद। अभी प्रसाद लो और जाओ यहां से। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से इस घर की शांति में खलल पैदा हो।